हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो यार आज की वीडियो में हम लोग इसी को शॉर्ट टॉपिक को डिटेल में जानेंगे, आराम से समझेंगे कि क्या होता है। तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा टॉपिक समझ सको। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है ईआरपी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रचलन में ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो आज की वीडियो में यार इसीलिए हम लोग ये पूरा जानेंगे टॉपिक आसान से शब्दों में। तो यार वीडियो से लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है, क्लियर समझ सको। ठीक है, तो समझते हैं भाई होता क्या है ईआरपी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके मीनिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये मैंने इन्वेस्टोपीडिया खोला हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ईआरपी क्या है भाई? ईआरपी इज अ प्रोसेस यूज बाई कंपनीज टू मैनेज एंड इंटीग्रेट द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेसेस ऑफन वाया सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट प्लानिंग, परचेजिंग, इन्वेंटरी, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मोर। तो भाई आराम से शब्दों में हिंदी में समझते हैं मतलब क्या है। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अगर आप बीबीए एमबीए कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो तो यार आपको पता होगा ईआरपी का बेस्ट एग्जाम्पल आपको टैली है, क्योंकि हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते रहते हैं कि यार टैली इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर, टैली इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो अब समझते भाई ईआरपी सॉफ्टवेयर है क्या जो कि टैली को कहते हैं इतने टाइम से। ठीक है, तो टैली क्या भाई? जनरल ईआरपी सॉफ्टवेयर है। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वो बही खाता, जो चीज टैली क्या करता है भाई, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है, ऑफकोर्स कॉमर्स स्टूडेंट हो आप, तो क्या नहीं पढ़ा तो भी चिंता मत करो, मैं वही समझा रहा हूँ। कॉमर्स वाले क्या पढ़ते हैं भाई? अकाउंट्स जो हम लोग लिखते हैं हाथ से, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट, वो चीज को डिजिटली कर देता है टैली। ठीक है, वो चीज को ऑनलाइन कर देता है। इससे क्या होता है, आपको अपनी परचेज संभालना, अपनी इन्वेंटरी संभालना, अपना सेल संभालना, अपना प्रॉफिट संभालना आसान हो जाता है। आपको पेपर पे काम नहीं करना पड़ता, आपको लंबे लंबे शीट्स नहीं बनाने पड़ते, कैलकुलेशन करते करते थक नहीं जाना होता है। वो क्या करता है टैली आपके लिए? टैली आपके लिए सारे प्रोसेसेस को आसान बना देता है कंप्यूटर के द्वारा, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि आपको सारे प्रोसेस को, पूरे बिजनेस के प्रोसेस को वो आसान बना देता है, अकाउंटिंग के पूरे प्रोसेस को वो आसान बना देता है। ये टैली का काम होता है। ठीक है, तो एक ईआरपी सॉफ्टवेयर का क्या काम हो रहा है भाई? एक ईआरपी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सारे बिजनेसेस के काम को बहुत आसान कर देता है अपने आईटी के थ्रू, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सारे कंपनी के प्रोसेसेस को आसान कर देता है, उसे हम लोग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिक ईआरपी। ठीक है, अब समझते हैं भाई हम लोग इसका काम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं। ठीक है, यही हम लोग ने भी जाना है क्या है, अगर आप डेफिनेशन वाइज पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्लेटफॉर्म कंपनीज यूज टू मैनेज एंड इंटीग्रेट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेसेस। एसेंशियल पार्ट्स यानी कि भाई बहुत सारी चीज एसेंशियल है। आपका अकाउंटिंग, आपका पैसा संभालना इंपॉर्टेंट है, आपका सेल संभालना इंपॉर्टेंट है, आपका परचेज संभालना इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग संभालना इंपॉर्टेंट है, एचआर संभालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें को इंटीग्रेट कर देता है आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि आप सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अपना एचआर इंटीग्रेट कर सकते हो, आप उसमें अकाउंटिंग इंटीग्रेट कर सकते हो, आप उसमें सेल्स इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज होता है। मेनी ईआरपी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर क्रिटिकल टू बिजनेस कंपनीज बिकॉज दे हेल्प देम इंप्लीमेंट रिसोर्स प्लानिंग बाय इंटीग्रेटिंग ऑल द प्रोसेसेस नीडेड टू रन देयर कंपनीज विद अ सिंगल सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम बना करके दे देता है ईआरपी भाई, जिससे इकलौते सिस्टम से आपका पूरा कंपनी रन हो जाए ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ही ज्यादा वजियत हो जाती है किसी भाई, बहुत ज्यादा एकदम टेंशन, बहुत ज्यादा ही पेपर वर्क, कैलकुलेशन, एरर्स होने की पॉसिबिलिटीज, ये सारी हो जाती है। लेकिन ईआरपी के आने से क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है भाई जहाँ पे आप एक ही जगह पर सारी चीजें मैनेज कर पाते हो, क्योंकि सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाती है वहाँ पे। आपका एचआर इंटीग्रेटेड है, आपका मार्केटिंग इंटीग्रेटेड है, आपका सेल्स इंटीग्रेटेड है। तो उससे क्या होता है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म सोर्स बन जाती है ईआरपी, जो कि आपको पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक ही जगह पे मैनेज करके दे देती है कंपनी को। तो ये बेसिक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है। ठीक है भाई, करते क्या है, करता क्या है ईआरपी? ठीक है, ईआरपी एप्लीकेशंस अलाउ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन मोर इजिली विद द रेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, करता क्या है भाई ईआरपी? ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाता है जो कि आपको सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर के आ जाता है। मार्केटिंग आ गया, एचआर आ गया, जैसे मैंने कहा फाइनेंस आ गया, ठीक है, सेल्स आ गया, और भी बहुत सारी चीजें आ गई, एचआर मतलब और भी मैंने बोल दिया, वो सारे आ जाते हैं एक जगह कंपनी को एक एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूरा प्रोवाइड करने के लिए आसानी से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, सारे ही लोग मिल करके कंपनी के तरफ आ रहे हैं, जो कि काम को और आसान कर दे रहा है कंपनी के लिए, एज अ कंपनी वो चीज बहुत सिंपल हो जा रही है। ठीक है, ये चीज होता है, एक दूसरे से भी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से शेयर हो पाता है भाई। मार्केटिंग वाले को पता है कि क्या सेल्स हो रही है, अगर घट रही है तो क्या मार्केटिंग करने की जरूरत है। सेल्स वाले को पता है कि भाई पैसे हमारे कम आ रहे हैं, अकाउंट्स कम हो रही है, ठीक है, तो हमें और सेल्स की जरूरत है।
ठीक है, ये सारी चीजें एक दूसरे में भी शेयर हो पाती है और डायरेक्टली कंपनी को भी मैनेजमेंट में, अपर मैनेजमेंट में पता चल पाता है। ठीक है, ये चीज होता है। काम कैसे करता है भाई, बेसिक में आपको मतलब ही समझा रहा हूँ यार, मैं मतलब समझाने के लिए यहाँ पे। अगर आपको ये थ्योरी जानना हो लिखना एग्जाम पर्पज से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख करके रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आप चीजें समझ जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप मेरी मानो तो यार एग्जाम में बहुत अच्छा लिख करके आ सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है ईआरपी, क्या करता है, हाउ डज इट वर्क। ठीक है, ईआरपी इज इवॉल्व ओवर द इयर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मॉडल्स दैट मेड यूज ऑफ फिजिकल क्लाइंट सर्वर्स एंड मैनुअल एंट्री सिस्टम्स टू क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर विथ रिमोट वेब बेस्ड एक्सेस। द प्लेटफॉर्म इज जनरली मेंटेन बाय द कंपनी दैट क्रिएटेड इट विथ क्लाइंट कंपनीज रेंटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कैसे काम कर रहा है भाई ईआरपी, पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मॉडल्स पहले होते थे पहले के समय में। ठीक है, जैसे जैसे टैली, टैली वाज अ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर ईआरपी का। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गए। अब बहुत सारे आप ऐसे सॉफ्टवेयर देखोगे भाई जो कि सास बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसमें क्या होता है भाई, एक ऐसी कंपनी जिसने उसने बनाया है, ठीक है, एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि कंपनी के सारे प्रोसेसेस मैनेज हो सकते हैं। उसने अपना एक वेब बेस्ड सर्वर बनाया जो कि अपने उन्होंने कंपनीज को नीचे नीचे इन कंपनीज को जो कि एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं उनको दे दिया रेंट पे कि भाई लो यूज करो अब, और मेरे को हर मंथली ईयरली उसका पे करते रहना पैसे जो भी चार्जेस है। ठीक है, ऐसे काम कर रहा है। तो क्लाउड बेस्ड चीजें हैं, तो कंपनी भी क्या है, जो कंपनीज एक्चुअली उस सर्विस को यूज कर रही है उन्होंने भी क्लाउड बेस्ड पे अपने सारे सर्विस चढ़ा दिए, सारे अपने डिटेल चढ़ा दिए। ठीक है, और वो अब लोगों को आगे अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करिए, लो भाई इसके सर्वर आईडी के पासवर्ड लो और अपना अपना मैनेज करो इन चीजों को। ठीक है, बिजनेसेस सेलेक्ट द एप्लीकेशंस दे वांट टू यूज, देन दी होस्टिंग कंपनी लोड द एप्लीकेशन ऑन द सर्वर। या बेसिकली आप ये समझ लो भाई कि अब ये चीजें वेबसाइट से रिलेटेड ज्यादा हो गई, वेब बेस्ड सारा क्लाउड बेस्ड वेबसाइट से रिलेटेड होने लगा है। ठीक है, एक होस्टिंग सर्वर चुन लिया जाता है, एक वेबसाइट हो जाती है जो कि सारा डेटा रिट्रीव कर रही होती है जो भी होस्टिंग सर्वर पे चढ़ाया होता है। ठीक है, ऐसे ही आजकल ईआरपी काम कर रहे हैं। अब क्या क्या फायदे हैं भाई वो आप देख सकते हो, क्या क्या नुकसान है, ऑफकोर्स ये बात है, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा मेरे को कमेंट करके कि भाई क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान है आपके हिसाब से। हुआ क्या है, सिंपल सी बात है, आपको हल्का सा दिमाग लगाना है कि भाई पहले ट्रेडिशनली बेस्ड बिजनेसेस जो होते थे वो बहुत ही ज्यादा पेपर पे चलते थे, बहुत ही ज्यादा दिमाग खतरा होता था, बहुत ही ज्यादा एरर्स होते थे। उस मतलब ईआरपी ने उस सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। तो क्या फायदा है आपको समझ में आ रहा है ईआरपी का, इन सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। तो ईआरपी ने सारे इन सारी चीजों को हटा दिया, ये सारे फायदे हैं ईआरपी के। अब नुकसान क्या है भाई, नुकसान सिंपल सी बात है, पैसे बहुत है, लगाने पड़ेंगे पैसे अच्छे खासे। सिंपल सी बात है, अब कंप्यूटर आ गया तो टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास ताकि ये सारी चीजों को समझ सको आप। ठीक है, जब ये सारी चीजें वेब बेस्ड हो जाती है, क्लाउड बेस्ड हो जाती है, तो आपके पास हैकिंग का भी डर आ जाता है, आपके पास सिक्योरिटी थेफ्ट का भी, मतलब आपके पास थेफ्ट का भी खतरा है। ठीक है, तो ये सारे चीजें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है आपको ईआरपी के। ठीक है, अब बेसिकली ईआरपी के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं यार, ठीक है, और कंपनीज बहुत सारी जो कि आपको अब ईआरपी के आप बेसिक एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप क्या एक टैली भी मैंने बता दिया और भी बहुत सारे जो कि आप एक तरीके से एग्जाम्पल में ले सकते हो। तो यार यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी यार, अगर लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और साथ में इंस्टाग्राम लिंक्डइन सारे पर्सनल लिंक्स में नीचे, आप वहां पे भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यार यही था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।